नमस्कार दोस्तों, धनतेरस के दिन यम का भी दिन माना जाता है और धनतेरस के दिन यदि यम की अनुकंपा चाहते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छे उपाय हैं, जानिए इस वीडियो के दौरान। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई भी कलेश ना हो या फिर कोई भी परेशानियां ना आए तो उसके लिए आप एक उपाय जरूर कीजिए। आप धनतेरस के दिन पर यम के नाम से दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद उसे अपने मेन गेट पर रख दीजिए और ध्यान रखें कि चावल की या फिर गेहूं की थोड़ी सी ढेरी बनाएं और ढेरी बनाने के बाद दीपक को उसके ऊपर रख दें। ऐसा करने से यम की अनुकंपा रहती है और आशीर्वाद भी आप पर बना रहता है। आप यदि यमराज को खुश करना चाहते हैं और अगर आपके घर में कोई भी अकाल मृत्यु ना हो तो उसके लिए आप यम की पूजा कर सकते हैं। धनतेरस को यम का ही दिन माना जाता है। यदि आप दीपक को आटे से बनाते हैं और आटे से दीपक बनाने के बाद उसमें चार बत्ती रखते हैं और उसमें सरसों का तेल डालिए, कुछ काले दाने डाल के डाल दीजिए और उसे एक चावल की ढेरी पर या फिर गेहूं की ढेरी पर अपने घर में रख दीजिए और उसे रखा रहने दीजिए और उसे अखंड ज्योत के नाम से रख सकते हैं तो आप यम का आशीर्वाद पा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान यम की भी कृपा रहे तो उसके लिए आप मंदिर में रात को किसी भी स्त्री या फिर अपने घर में बेटी या फिर अपनी पत्नी से एक दीपक जलवा सकते हैं। ऐसा करने से भगवान की पूजा कीजिए और भगवान की पूजा करने के बाद उसे आराधना करते रहिए जब तक कि आपकी धनतेरस का आधा समय बीत ना जाए। ऐसा करने से यम की भी आप पर कृपा रहेगी और इस धनतेरस पर आपके घर में खुशियाँ आएंगी। तो इस धनतेरस आप यम के लिए दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब